इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 56 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जहाँ पर जियान को क्वीन मेडुसा की हरकतों को देखकर ऐसा लगने लगा था कि क्वीन मेडुसा के दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग है, इसलिए वो क्वीन मेडुसा से चेक करने के लिए बोलते हैं, अगर मैंने तुम्हें पिल दे दी तो उसके बाद मुझे मारोगी या नहीं मारोगी। तो क्वीन मेडुसा बोलते बिल्कुल पक्का निपटा दूंगी तुम्हें। ये सुनने के जियान को पता चल जाता है कि क्वीन मेडुसा के दिल में कोई भी फीलिंग नहीं है उसको लेकर, पर असली तो कुछ और ही होती है। और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब जियान मिस्टिक क्लाउड से क्यू पर हमला करने के लिए जा रहा होता है। इसलिए जियान के सभी साथी जीव पैलेस के सामने इकट्ठा होने लगते, चाहे वो जियान के फ्रेंड हो इनर अकेडमी वाले, चाहे फिर वो ब्लैक कॉनरीजन के एल्डर हो, चाहे वो गिली के दोस्त हो ब्लैक कॉनरीजन वाले, वो सभी के सभी वहाँ पे आके इकट्ठे होने लगे थे। और फिर जियान भी आ जाता है और फिर उन सभी को लेकर वहाँ से निकलने लगता है मिस्टिक क्लाउड सेक की तरफ, जहाँ पर बीच बीच में अलग क्लैन के भी लीडर ज्वाइन करते जा रहे होते, चाहे वो मू फैमिली हो, चाहे वो नायन फैमिली हो, चाहे वो रॉयल फैमिली हो, सभी लोग जियान के साथ मिलते जा रहे होते हैं। और जियान मिस्टिक क्लाउड सेक को देखकर बोलता है, मिस्टिक क्लाउड सेक मैं बहुत ही जल्दी आ रहा हूँ तो जितना करने के लिए। और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें मिस्टिक क्लाउड सेक दिखाया जाता है जो की पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजा दिया गया था, क्योंकि आज गुई और यूनियन की शादी होने वाली थी। इस शादी से यूनियन बिल्कुल भी खुश नहीं थी, गुई जबरदस्ती शादी कर रहा था यूनियन से। और वहीं पे जो यूनसेन था वो इस शादी से काफी था खुश था, क्योंकि वो गुई को यूज करना चाहता था अपने फायदे के लिए, क्योंकि जब जियान मिस्टिक क्लाउड सेक के ऊपर हमला करने के लिए आएगा तो गुई अपने साथियों से जियान के ऊपर हमला कर देगा, और जब दोनों पार्टियां आपस में टकराई तो वो दोनों ही काफी ज्यादा जख्मी हो जाएंगे। और फिर यूनसेन के पास बहुत ही आसान मौका है जिससे वो जियान को बहुत ही आसानी से पकड़ पाए और उसे मार डाल पाए। और उसके बाद यूनसेन गुई को भी छोड़ेगा, क्योंकि उसने होल ऑफ सोल के बंदे से डील कर रखी थी, और वो बंदा कोई और नहीं, जो अभी तक आप लोगों ने जो शैडो मैन देखा है वो है प्रोटेक्टर वू, जो कि गुई को मारकर उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को लेना चाहता था, क्योंकि होल ऑफ सोल वाले पावरफुल लोगों की सोल को कलेक्ट करते और उनसे अपना काम निकलवा। और उन सभी चीजों में गुई एकदम परफेक्ट है, क्योंकि वो एक टीयर सिक्स का एल्केमिस्ट भी और काफी पावरफुल भी है, इसलिए प्रोटेक्टर वू की काफी टाइम से नजर थी गुई के ऊपर। इसलिए यूनसेन और प्रोटेक्टर वू ने पहले से तैयारी कर ली थी, जैसे यूनसेन जियान को मार डालेगा उसके बाद वो गुई को भी मार डालेगा और उसकी सोल को प्रोटेक्टर वू को दे देगा, जो कि होल ऑफ सोल ले जाएगा उसे और अपनी बेटी जैसी स्टूडेंट यूनियन को विधवा कर देगा। और यहाँ पे यूनियन लाल जोड़ा पहन लिया होता और वो दुल्हन की तरह सच के तैयार थी, और यहाँ पे गुई भी तैयार होकर स्टेज पे पहुंच चुका होता, तभी यूनियन भी अपनी जोड़े में आ जाती है। और जब लोग यूनियन को देखते तो सभी लोग काफी ज्यादा खुशी थे, और यूनियन भी गुई के पास जाके खड़ी हो जाती और माहौल पूरा सेट हो चुका था और शादी स्टार्ट होने वाली थी। और तभी आसमान में जियान आ जाता और उसके साथ उसके सभी साथी भी आ जाते, और जियान अपनी हैवी शॉट से यूनसेन के ऊपर हमला कर देता है, पर यूनसेन बहुत ही आसानी से अपनी पावर से उस शॉट के अटैक को रोक लेता है और उस शॉट को जमीन पे उठा के फेंक देता है, जिस वजह से जियान की हैवी शॉट जाकर जमीन के ऊपर गड़ जाती है। और जब सभी लोग हैवी शॉट को देखते तो एकदम से वहाँ पे सन्नाटा फैल जाता है, सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी यूनसेन जियान से बोलता है, हरामी जियान, आज से 3 साल पहले तुझे मार मार के भूत बना के यहाँ से भगाया था, पर तू आज यहाँ पर आके तूने अपनी मौत को दावत दी है, आज तुझे मैं जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाने दूंगा, आज तुझे मैं मार ही डालूंगा। और जब जियान पूरे मिस्टिक क्लाउड सेक के अंदर घूमता है तो सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और सभी लोग आपस में बातें करने लगते जियान के बारे में, और साथ ही उनके डर के मारे पैंट गीली भी होने लगी थी, क्योंकि जियान ने 2 दिन पहले मिस्टिक क्लाउड सेक की आधी पावर को तबाह कर दिया, इसी वजह से सभी की फटी पड़ी हुई थी जियान से। तभी जियान गुस्से से यूनसेन से बोलते, यूनसेन तूने मेरी फैमिली को तबाह कर डाला, इसलिए आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा, तभी जाकर मेरी जीव फैमिली का बदला पूरा होगा, इसलिए आज बूढ़े कुत्ते तू मेरे हाथों मरने वाला है, क्योंकि आज मैंने तुझे नहीं माना तो मैं कैसे अपने जीव फैमिली को अपना फेस दिखाऊंगा। और जब यूनसेन बूढ़ा कुत्ता सुनता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी किसी ने बूढ़ा कुत्ता नहीं बोला था उससे। और यूनसेन की नजर जियान के आसपास में खड़े हुए लोगों के ऊपर पड़ती, जहां पर सैंड एम्परर और आइस एम्परर और फार्मा खड़ी हुई होती है। उन्हें देखकर यूनसेन बोलते, सालों अब तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई जो तुम मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ गए, क्या तुम लोगों को अपनी और अपनी फैमिली की परवाह नहीं है? तो ये सुनते सैंड एम्परर बोलते, मुझे सब कुछ पता है, आज नहीं तो कल तुम मेरी फैमिली के ऊपर हमला कर दोगे और हमें पूरी तरीके से तबाह कर दोगे, इसलिए हम लोग उस दिन का क्यों इंतजार करें, क्यों ना हम लोग उससे पहले तुम्हारे ऊपर हमला कर देते हैं और तुम्हारे काम खत्म कर देते हैं। ये सुनते यूनसेन हंसने लगते और बोलते, चलो ठीक है आ जाओ, आज तुम सबका भी काम तमाम कर देता हूँ, क्योंकि तुम लोग भी इस व्यक्ति को देखकर काफी जोश में आ चुके हो, इसलिए कल का लौंडा भी मरेगा और तुम भी मरोगे। और इसी के साथ वो एक इशारा करता जिस वजह से चारों तरफ आसमान में मिस्टिक क्लाउड के एल्डर आ जाते हैं। और ये सब माहौल देखकर जो गुई होता है वो जियान से गुस्से से बोलता, जियान तुम्हें आज का दिन मिला था मेरी शादी को तबाह करने के लिए। तो जियान बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी शादी को तोड़वाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर यूनसेन और मिस्टिक क्लाउड से अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। और गुई तो जियान को देखकर जोश में आ जाते हैं और यूनसेन की गुड बुक्स में आने के लिए और यूनियन की नजरों में हीरो बनने के लिए वो जियान से बोलता, जियान तू कुछ ज्यादा ही घमंडी हो रहा है, जो तू मिस्टिक क्लाउड से ऊपर हमला कर रहा है मेरी शादी के दिन। तो जियान बोलता, मैं और घमंडी, असली घमंडी तो ये यूनसेन है जिसने मेरे जीव फैमिली के ऊपर हमला किया, और ज्यादा घमंड में आने के बाद इसने तो सीधा प्राइमर क्लैन के ऊपर ही हमला कर दिया। और फिर जियान यूनियन की तरफ देखता जो कि लाल जोड़े में खड़ी होती है और उसने अपने चेहरे को कवर कर रखा होता है। तभी जियान एक अटैक बनाता है और यूनियन के ऊपर कर देता है, जिस वजह से यूनियन के फेस के ऊपर जो कवर होता है वो उड़ जाता है। और फिर जियान की नजर यूनियन के ऊपर पड़ती है, जहाँ पर यूनियन सर झुका है अपना खड़ी हुई होती है, और उसे देखते जियान के दिल में थोड़ी सी भावनाएं जगने लगती है। पर तभी जियान यूनसेन की तरफ देखता है और बोलता है, यूनसेन तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम अपने फायदे के लिए अपनी स्टूडेंट की शादी गोई से करा रहे हो। ये सुनकर यूनसेन बोलता, तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं जो कर रहा हूँ वो सब कुछ सही कर रहा हूँ, पर आज तुम मेरे हाथों से यहाँ से जिंदा बच के नहीं।
जाने पाएगा। पर तभी कोई बोलता है, युनसेन आप इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसको संभाल लूंगा। तो जिन बोलते अच्छा तो मुझे संभाल लोगे, तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, अगर मैं तुम्हें 10 अटैक के अंदर हरा देता हूँ तो तुम और तुम्हारे साथी सभी यहाँ से चले जाएंगे और हमारे मिस्टी क्लाउड की फाइट के बीच में नहीं आएंगे। और अगर तुम जीत जाते हो तो मैं और अपने सभी साथियों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और तुम खुशी खुशी यहाँ पे शादी कर सकते हो। तो गुई भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और ये सब सुन के सैंडे पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगने लगता है कि गुई भी एक एल्केमिस्ट होने के साथ साथ ही एक पावरफुल डाउन वॉन्ग लेवल का वॉरियर भी, इस वजह से जियन 10 अटैक में शायद उसे ना हरा पाए। और अगर नहीं हरा पाए तो यहाँ से बिना फाइट करके ही जाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद यून से तो एक एक करके पकड़ेगा और सभी को मार डालेगा। इस वजह से सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और ये समझ जाता है, इस वजह से वो सभी लोगों से बोलते हैं आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और तभी कोई अपनी दुखी को बाहर निकाल लेते और जियान के ऊपर हमला कर देते। तो जियान भी अपनी पावर से अपनी शॉट को अपने पास बुला लेता है और गुई की शॉट के हमले को अपनी हैवी रोल शॉट से रोक लेता है और बहुत ही आसानी से हैवी रोल शॉट से गुई को पीछे ढकेल देता है और फिर एक स्लैश अटैक गुई के ऊपर कर देता है। पर गुई उसे भी बहुत ही आसानी से रोक लेता है। इससे गुई को समझ में आ जाता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। इस वजह से वो एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारी स्पिरिचुअल शॉट आ जाती है और उस अटैक का नाम होता है 1000 स्पिरिचुअल शॉट। और उन सभी से वो जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान भी उन सभी शॉटों से बचने लगता है और अपनी हैवी रोल शॉट से उन सभी शॉटों को रोकने भी लगता है। और कुछ ही देर में जियान सभी शॉटों को नष्ट भी कर देता है। और फिर जियान गुई के पास पहुंच जाता है और अपना पाम अटैक कर देता है गुई के ऊपर। तो गुई भी पाम अटैक कर देता है जियान के ऊपर काउंटर में। और जब दोनों के पाम अटैक आपस में टकरा दे तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। पर गुई जियान से थोड़ा सा ज्यादा पीछे चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यू अटैक करने लगते हैं और 8 हमले तक लगे तेरी चलती रहती है। और ऐसी जियान अपनी 8 अटैक कर चुका था और गुई भी एकदम टकाटक खड़ा रहता है, उसे अभी भी कुछ नहीं हुआ था। ये देख के जियान के सभी साथी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और गुई भी जियान से बोलता है तुमने अपने 8 अटैक कर ली और अभी भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ, अब तुम 2 ही अटैक में मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। तो जियान बोलता है तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो क्योंकि तुम्हें हराने के लिए मेरे 2 ही अटैक बहुत है। और ये बोलती है जियान अपनी दुखी को पाए निकाल लेता है। ये देख कर यून सेन बोलता है अरे ये तो बड़ा लल्लू निकला, मुझे तो लगता था ये डाउ वांग पर होगा, पर ये तो डाउ वांग पर ही निकला, ये तो कोदा पार निकला चुआ। और यहाँ पे जियान अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से जियान एक फ्लैश की तरह चमकता है और गुई के सामने आ जाता है। और यहाँ पे जियान की स्पीड को देख के गुई एकदम से भौचक्का सा रह गया, साथ ही यून सेन भी जियान की स्पीड देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और यहाँ पे जियान गुई के आसपास घूमने लगता है, जिस वजह से गुई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि जियान है कहाँ। तभी जियान गुई के बिल्कुल पास आ जाता है और जोर से दौड़ता है। जियान की लॉयल शटरिंग रोड सुन के गुई का दिमाग एकदम से सुन सा पड़ जाता है। वहीं पे मिस्टी क्लाउड से जो बाकी के लोग भी होते वो एकदम से सुन से पड़ जाते हैं, पर जो यून सेन तो उसे इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा था। तभी थोड़ी देर बाद गुई भी होश में आ जाता है और आती गन वो अपना सबसे पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगता है, जिस वजह से आसमान में एक बहुत ही बड़ा ईगल बन जाता है फ्लेम का। और वो ईगल काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो जियान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और ये भी यून को भी उसकी पावर महसूस हो जाती है, इस वजह से वो भी अपना सर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगती है और वो भी उस अटैक को देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर वो भी होती तो वो भी इस अटैक को नहीं रोक सकती थी। इस वजह से उसे जियान की काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है। और ये भी जियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेते हैं अपने हाथ में और पंच बना के ईगल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और जब दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, चारों तरफ धूल ही धूल छा जाती है। और तभी आसमान से गुई टपकता हुआ नीचे दिखाई देता है और जाकर जमीन पे गिरता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और यहीं पे जियान ने गुई के ऊपर जो हमला किया था तो जियान ने अपनी पावर को सप्रेस कर लिया था, अगर जियान अपनी फुल पावर से अटैक कर दे तो गुई वहीं पे निपट जाता। और यहीं पे गुई थोड़ी देर बाद लड़खड़ाने के बाद खड़ा हो जाता है और बोलता है जियान अब तुम इस चैलेंज को जीत चुके, इस वजह से अब मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा। और वो अपने सभी साथियों को लेकर वहां से जाने लगता है। पर तभी वो यून की तरफ उड़ता है और यून से बोलता है यून जो तुम्हारा डिसीजन वो एक नंबर है क्योंकि तुम्हारे लिए जियान एकदम 100% डिजर्व करता है। और फिर वो अपने सभी साथियों को लेकर वहां से चला जाता है। और यहीं पे ये सब देखे जो यून सेन होते हुए काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि जियान ने उसके सारे प्लानों पे पानी फेर दिया था। और यहीं पे आईस पर जोर से दौड़ता है कि हम सभी लोग मिस्टी क्लाउड से एल्ट्रो को संभाल लेंगे और उन सभी को कोई भी सीक्रेट फॉर्मेशन नहीं बनाने देंगे और यहीं पे यून सेन को जियान संभाल लेगा और हम लोग भी बाकी के सभी एल्ट्रो को जल्द से जल्द हराने की कोशिश करेंगे जिससे जाकर बाद में हम लोग जियान की मदद कर पाए। तभी सैंडने पर आईस एम्पर से बोलते क्या जियान अकेले यून सेन को संभाल पाएगा, क्या हमें स्टार्टिंग से जाकर जियान की मदद करनी चाहिए। तो आईस एम्पर बोलते हैं हमें जियान की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जियान के पास ऑलरेडी उसके मास्टर है जो कि किसी की भी पुंगी बजाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो इस उनके सैंडने पर काफी ज्यादा रिलैक्स फील करने लगते हैं और यून सेन अपनी चेयर से खड़ा हो जाते और आ जाता है जियान के सामने और साथ यून सेन के चारों तरफ उसके वॉरियर भी आ जाते हैं। और इसी के साथ ये पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है, पर कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, जो आपको देखने को मिलेगी मेरे सेकंड चैनल क्यूट लव फिनलैंड पे। पर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने नेक्स्ट एपिसोड देखा उसके अंदर बहुत सारे सीन्स को काट दिया गया जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, जैसे वो जिया और आइस एम्पर वाला सीन हो चाहे फिर वो रॉयल फैमिली का एम्पीरियल ड्रैगन वाला सीन हो जो जिया के साथ हो जाता पंगे दंगे, वो सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे पर वो काट दिए गए। और भी काफी सारे सीन थे जो कि काट दिए गए, पर मुझे लगता है कि वो सीन जरूर दिखाए जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिसमें से एक सीन तो जरूर दिखाया जाएगा जहां पर मास्टर जियान को एक रिंग देते जिसके अंदर बोन चिलिंग फ्लेम भरी होती जिसकी मदद से जियान 3 फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस बना पाए। और वैसे भी क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है वो सब कुछ डिपेंड करता है स्टूडियो के ऊपर। और वैसे भी छोटे पैकेट से जो रिलेटेड बातें होती है उनको
मोस्टली स्टूडियो काट ही देता है, पर मुझे ये नहीं पता रहता कि वो लोग एपिसोड के अंदर क्या दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे। इस वजह से मैं नोवेल के अंदर जो भी होता है वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि नोवेल के अंदर हर चीज को वो एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको ये नोवेल के एपिसोड पसंद आते तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।